अरे अरे अदिति, कहाँ जा रही है? क्लास में जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने। आज के दिन में तू बच्चों को पढ़ाएगी क्या यार? टीचर्स डे है, टीचर्स डे वाले दिन कौन पढ़ाता है बच्चों को? मुझे भी बताया, वो तो बच्चों को गेम भी खिला रही थी, फिर बबली मैम आ गई। टीचर बनो उसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन बच्चों को गेम खिलाओ, पढ़ाओ इन्हें, इसलिए पढ़ा रही हूँ। डांट के चली गई, हर बार ऐसे ही करती है। अब जा रही हूँ, मैथ का टेस्ट लूंगी, टू का टेबल सुनूंगी तब से। यार मैं भी ये सोच रही हूँ कि ना मैं तेरी क्लास में आ जाऊँ, क्या है ना मेरी क्लास के बच्चों तो ना मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, तो मैं आ जाऊँ? अच्छा सही है ये भी, तू मेरे साथ ही आ जा, नहीं तो मैं बच्चों के साथ बोर हो जाऊंगी। चला जा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठो। पूरी क्लास में दो ही बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? मैम वो क्या है ना, पूरे क्लास के बच्चे बाहर की दीदियों को देखने गए कि कौन सी दीदी कौन से टीचर बनी है। ठीक है यार, हमें तो कोई भी देखने नहीं आया। कोई बात नहीं, वैसे भी ना सबके सब फ्रॉक सूट पहन कर आएंगे, टीचर्स डे पे कौन पहनता है फ्रॉक सूट, कोई भी नहीं देखेगा इन्हें। छोड़ो, चलो चलो अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है काजल, आग मारूं क्या? मेरा नाम है दीपाली, दिया बुझाऊं क्या? अरे कैसे नमूने बच्चे हैं तेरी क्लास के? क्या करूं, कैसी क्लास मिली मुझे। अच्छा अच्छा ये बताओ, हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है? मैम सलमान खान। नीचे बैठ जा। तेरी क्लास के बच्चे तो बिल्कुल ही नालायक है। मेरी क्लास के बच्चे भी नालायक थे, पर इतने नहीं, उन्होंने ना केजरीवाल बताया था, थोड़ा सा तो क्लोज थे पर इतने निहायत ही नालायक नहीं थे। हाँ जो भी है, काम करता है इन बच्चों से ना डांस करवा देते। हाँ यार सही कह रही है। चलो चलो आओ भाई डांस करो, कौन आएगा पहले? मैं तुम आओ पहले। क्या हो गया, सुबह से रात हो गई, क्यों आतंक मचा रखा है? इस पेटीकोट में नोड़ा ही नहीं है। ओहो तो सेफ्टी पिन लगा ले। सेफ्टी पिन लगा ले, और डांस करते समय वहाँ पे मेरी साड़ी खुल गई तो बेइज्जती हो जाएगी सबके आगे, हंसेंगे सब मुझ पे। तेरी माँ ने तो आज तक साड़ी पहनी नहीं है, तुझे पहननी है। एक काम कर, वो फ्रॉक सूट पहन ले, कितना सुंदर है वो देख तो। फ्रॉक सूट पहन लूं, 15 अगस्त छोड़ी है, टीचर्स डे है, सब आ जाएंगी। 12th क्लास की सारी लड़कियां साड़ी में आएंगी और मैं अलग ही सूट पहन के जाऊं। पागल हो गया मम्मी, कुछ करो ना यार, मुझे तो एक्ट्रेस बन के जाना है, इस बार तो बढ़िया लगूंगी, सब मेरे को चंपू वंपू बोलते हैं, इस बार नहीं कहेंगे, कुछ करो ना इसका। लेकिन वो क्या है ना, मेरा नाड़ा ना वो नीतू ले गई थी, क्या करूं? कुछ करो ना। रुक जा, फोन करती हूं जरा उसको। हेलो नीतू कैसी है? अच्छा अच्छा वो सब छोड़, अच्छा तू नाड़ा लेके गई थी, ए वो दे जा ना। क्या है ना मेरी बेटी का जरा टीचर्स डे है, नाड़ा नहीं है हमारे पास, दे जाती तो अच्छा होता। टाइम रुक जब था तू, ज्यादा नहीं रात के 10 बज रहे। अच्छा तू बाहर है, अरे ये तो और भी अच्छी बात है, रास्ते में से पकड़ा जाइयो। क्या शादी में? फिर तो पेटीकोट पहन रखा होगा, अरे ये तो और भी अच्छी बात है। एक काम करियो, रास्ते में से आते वक्त ना मेरे घर ही रुक जाइयो, नाड़ा दे जाइयो, फिर तो चली जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चल ठीक है मैं रख दी हूँ। हाँ ठीक है, आ रही अभी। चल चल तू इतने ब्लाउज नाप ले, फिर दिक्कत हो जाएगी रात को, जा। इन बच्चों को आधी रात को सारी चीजें याद आती है, दुखी कर रखा है, टीचर्स डे ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अरे अरे अब तो बता दो क्यों लाए हो हमें यहाँ पे? मैम हम दोनों ने ना आप दोनों टीचर्स खेल के डांस प्रिपेयर करा है, टीचर्स डे का दिखाए दिखाए। हाँ बिल्कुल दिखाओ। दिखाओ क्या नौटंकी करे तुमने? चल दिखाते हैं इन्हें, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, थोड़ी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर डाले, अंबर है
नदी सुनहरी है ना समुंदर है देश सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। यार ये दोनों कितने प्यारे हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चे? टीचर्स डे पे देश रंगीला। अरे टीचर्स डे है या इंडिपेंडेंस डे? यार जैसा भी कर रहे हैं कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं, और वैसे भी ये दोनों कितने प्यारे हैं। मुझे पता नहीं है बाकी क्लास के बच्चों ने हमें कैसे परेशान किया था, और ये दोनों तो कितने स्वीट हैं। मैं बाउना आउना आप ही डांस करो हमारे साथ। आओ ना मैम। ठीक है कर ले। हर कदम कदम पे धरती बदले घुमो, यहाँ की बोली में रंगोली तिरंग। देखना यार ये दोनों दीदियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, और ये साड़ी कितनी सेक्सी है। इनका ब्लाउज देखा तूने, पूरा बैकलेस है। मैं भी ना अगले साल ऐसे ही पहनूंगी। बिल्कुल खास नहीं लग रही है, देख रही कितना एटीट्यूड दिखा रही है। पूरे साल वेट करती है टीचर से पे टीचर बनने का, और देख कितना सज धज के आई है। जो भी है बढ़िया तो लग रही है ना। मैं तो बस अगले साल का वेट कर रही हूँ जब मैं भी टीचर बनूंगी, फिर सारे स्कूल के बच्चे ना मुझे गिफ्ट देने आएंगे और मुझे ही देखेंगे। यार मैं तो टीचर बन ही नहीं सकती, मैं तो साड़ी में किसी की माँ ही लगूंगी। ये तो तूने सच कहा। यार मुझे ना आज 10th क्लास मिली है, तुझे कौन सी क्लास मिली है? यार वही 10th बी क्लास। देखना पूरे साल हम वेट करते हैं टीचर से पे टीचर बनने का, और अब जब मैं बनी हूँ तो मुझे कौन सी क्लास दी है? 10th बी क्लास, सबसे नलायक क्लास दी है। मैं तो आने जा रहा हूँ इनसे बात करने को। चल ना दीदी से बात करने चलते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है, और वैसे भी वहाँ जाके बात क्या करेंगे। आइडिया, दीदी को ना ये लॉलीपॉप देंगे, खुश हो जाएंगी कि हम इनके लिए गिफ्ट लाए हैं। पर ये तो झूठी है। देख सच्ची हो गई, चल चल। बाय द वे यार तुझे पता है मैंने ये साड़ी ना स्पेशली ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई। हाय दीदी, मेरा मतलब कि मैम आप दोनों ना बहुत सुंदर लग रही हो, खासकर आप, आपका पल्लू कितना सेक्सी है। मुझे तो लगता है ना आपने स्पेशली टीचर्स डे के लिए कैरेटिन करवाई है। और हाँ मैम, मैं ना 10th में पढ़ती हूँ, 10th में मत जाना आप, प्लीज हमारी क्लास में आ जाना प्लीज। हाँ हाँ डोंट वरी, वैसे भी ना मुझे 10th ही क्लास मिली है। मैम ये मैं आपके लिए लाई थी। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है क्लास में जाओ, क्योंकि अगर प्रिंसिपल मैम आ गई तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, हमें ही सुनाएंगे। जाओ क्लास में जाओ। मैम बाय। देख रही है टीचर बनने के कितने फायदे होते हैं, बच्चों से फ्री में कितने सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे भी एक बच्चे ने फ्लावर दिया था लेकिन वो कहीं गिर गया। मम्मी कितनी टाइट क्यों बांध रही हो नाड़ा, मेरी सांस नहीं आ रही। पेटीकोट में ऐसे ही बनता है, पेटीकोट ढीले की वजह से साड़ी गिर गई ना तो मेरे को मत बोलिए कि बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी। साड़ी पहनाती हूँ तुझे सुंदर सी, देखो भी। घूम जा, घूमती रह घूमती रह। हाँ ये बात, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे रुक जा। हाँ घूम घूम, बस ये बात देख। हाय कितनी सुंदर लग रही है, देख देख एकदम बढ़िया लग रही है। रुक जा रुक जा, खोकर बज रहे हैं आती हूँ। कार्टून बना के चली गई मुझे। ये क्या कर दिया, मैं चलूंगी कैसे। मैं मम्मी घंटी बज रही है, गेट खोलो। सुनेंगे नहीं, मुझे ही खोलना पड़ेगा। साड़ी पहनना है तो देख लो भाई उन्होंने कैसे बना रखी है। यार इससे अच्छा तो हम पार्लर चले जाते, पार्लर वाली सिर्फ 200 रुपए लेती है हमसे साड़ी पहनाने के। पार्लर वाली 200 रुपए लेती, मेरी मम्मी सिर्फ 100 रुपए में बना देगी साड़ी। ओए माँ। या? तेरी मम्मी हमसे साड़ी पहनाने के पैसे लेंगी? और नहीं तो क्या, फ्री में करेंगी। फ्री में तो वो मेरा कोई काम ना करे, तुम तो मेरे फिर भी दोस्त हो, शायद तो तुमसे ज्यादा ले लूंगी। ओए माँ। अरे अरे बच्चों आ गए तुम,
चलो चलो तुम्हें भी जल्दी से साड़ी बना देती हूँ, क्या है ना तुम्हारी बहन आने वाली है। पर आंटी ऐसी साड़ी मत पहना देना। अरे नहीं नहीं इस पे तो बस मैं ट्राई कर रही थी, तुम्हें तो बहुत सुंदर साड़ी बनाऊंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते हैं मम्मी इन्हें कैसे कार्टून बनाएगी। तो जैसी मैं एक दो तीन करके तीन बोलूं, तीन पे ना घूम जाना, बन जाएगी बढ़िया साड़ी। चलो एक दो तीन घूमो घूमो घूमो। हाँ बहुत बढ़िया। चलो चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, साड़ी पकड़, इसका पल्ला सेट कर दूं जरा, ये देख रुक जा, हुई हुई रुक जा। हाँ देख तो दोनों कितनी सुंदर लग रही है, वाओ कितनी अच्छी साड़ी बना दी मैंने तुम दोनों को, है ना। चलो चलो तुम्हारी ना वैन आ गई होगी, चलो 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 आ जाओ। अरे कितनी सुंदर लग रही है, आ जाओ आ जाओ। देख रही है टीचर बने 11th क्लास की लड़कियां और डेकोरेशन करे हम। वही तो इसलिए गुस्सा आया मुझे, मैंने सुना 11th और 12th क्लास की लड़कियों को ना ब्रेड पकौड़े मिलेंगे लंच में और गरम गरम चाय भी। ओए माँ मुझे भी चाहिए यार, हमें देखो हम काम कर रहे हैं और हमें क्या मिलेगा कद्दू। मैंने तो सोच रही है एक बार 11th क्लास में आ जाऊँ, जब मैं टीचर बनूंगी ना सबको देख लूंगी। मैंने ये भी सोच लिया मैं ब्लैक साड़ी पहनूंगी नेट वाली और बैकलेस ब्लाउज भी। मैं भी पिंक मैजेंटा साड़ी पहनूंगी, सेक्सी सी। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं तो फ्रॉक सूट पहनूंगी क्योंकि साड़ी में मैं गिर जाऊंगी ना। और यार ये गर्ल्स जल्दी से डेकोरेट करो ना, फिर हमें तुम्हारी क्लास लेनी भी तो आना है। कंटिन्यू। देख रही है कैसे सुना के चली गई है, तो लगता है एक दिन के लिए टीचर बनी है तो सचमुच में हमारी टीचर बन गई है, हुकुम चला दिया हमसे ना दे। Hey guys, तो कैसे आप सब, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को फैला दो, आग लगा दो और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में। और ये देखो आज टीचर्स डे था, मतलब टीचर्स डे तो चला गया तो मेरा टीचर्स डे थोड़ा लेट चल रहा है, तो मिलती हूँ मैं जल्दी एक प्यारी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।